को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है। आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचार परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं सत्यात परो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ संभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया बुद्धम शरणम गच्छामि। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय सताम विभूतय। इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा। आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वर सर्वभूतानाम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना। आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट। आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव। आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। आइडिया ऑफ इंडिया माँ विद्विषा भाई। आइडिया ऑफ इंडिया मिच्छामि दुक्कड़म। और आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमय लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें जन्म देने वाली ये धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। ये भगवान श्री राम के ही तो बोल थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की एक सशक्त पहचान है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है। और इसलिए आज आइडिया ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल योग दिवस। आइडिया ऑफ इंडिया यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन। आइडिया ऑफ इंडिया यानी विश्व के लिए वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का विचार। आइडिया ऑफ इंडिया यानी चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट। आइडिया ऑफ इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, तुष्टिकरण के लिए